किसान आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन किसानों से जुड़ा एक मामला आज भी संसद में गर्मा गया, यही लखीमपुर खीरी कांड को लेकर। आज लोकसभा में विपक्ष ने फिर हंगामा किया। विपक्ष इस मुद्दे पर लोकसभा में बहस चाहता है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग लगातार कर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लोकसभा में यह हंगामा बरपा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर। संसद की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष के सांसद अजय मिश्र को हटाने की मांग में नारे लगाने लगे। संसद में कई सांसद प्ले कार्ड लहराते भी देखे गए। इस पर कोविड नियमों का हवाला देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने तीखी आपत्ति व्यक्त की। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जनप्रतिनिधि के नाते, नेता के नाते, हम भी नियम नहीं पालन करेंगे, ये ठीक है क्या? कोई भी मास्क नहीं पहना, इतने नजदीक खड़े हुए हैं और अधिकारियों के इतने नजदीक खड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं है सर। मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम मास्क तो पहनने के लिए इनको आदेश दे दीजिए सर। स्पीकर ने सांसदों से शांत रहने की अपील की, कहा प्रश्नकाल कभी स्थगित नहीं होता, इसके बाद इस पर बहस हो सकती है। तो प्रश्नकाल के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा, प्रश्नकाल स्थगित कभी नहीं होता है। लेकिन विपक्षी सांसद तैयार नहीं हुए और हंगामे के बीच लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आई जस्ट मेंशन इट हैज बीन सेड दैट इट इज अ कंस्पिरेसी। It is obviously a conspiracy. Everybody knows who's involved. Everybody who knows whose son is involved. Everybody knows who was there when the farmers were killed. The gentleman is a minister. We want the minister to resign. We want a discussion in the parliament. The prime minister refuses. And they're making all sorts of excuses. Because they don't want to accept the truth. विपक्ष का आरोप है कि सरकार विवादित मुद्दों से बचना चाहती है, इसलिए चर्चा नहीं करा रही। देखिए, ये तो सरकार जो है उन्होंने तय कर लिया है कि जो भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर उनको घेरा जा सकता है, उसको बिल्कुल हाउस में अलाउ नहीं कर रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये तो पहली बार मैंने 15 साल में देख रही हूँ कि संसद इस तरह से चल रहा है कि जो ये कि जिस मंत्री की गाड़ी से 4 किसान और 1 पत्रकार कुचल के मार दिए गए, उसमें उनका बेटा खुद शामिल है, वो जेल में है, और अब सरकार के द्वारा बनाई गई SIT ने ये साफ कह दिया कि ये हत्याकांड सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। दरअसल सारा बवाल मचा है लखीमपुर कांड की जांच करने वाली SIT की रिपोर्ट को लेकर। SIT ने लखीमपुर हिंसा को सोची समझी साजिश माना है। SIT के अनुरोध पर लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी अशेष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ जांच की धाराएं बदली गई हैं। सभी आरोपियों पर जानबूझकर साजिश के साथ हत्या का आरोप लगाया गया है। कल आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं आशीष के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी उनसे मिलने जेल पहुंचे थे, जहां वो आज तक के सवालों से बचते नजर आए। आप अब क्या बातचीत हुई है सर? आप अपने घर में क्या बात करते हो? अरे सर, नहीं। आप अपने बेटे से कैसे बात करते हो? आप जो अपने बेटे से बात करते हो वही हमारी अपने बेटे से। नहीं सर, कोई इंस्ट्रक्शन के लिए भी गए थे कि आगे कोई आगे कुछ? लखीमपुर में चार्जशीट के लिए 90 दिन का वक्त 4 जनवरी को पूरा होगा। खबर है कि SIT 1 हफ्ते के अंदर चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। उससे पहले धारा बदलने की अर्जी बताती है कि लखीमपुर पुलिस को इस मामले में किस तरह के सबूत मिले हैं। ऐसे में यूपी चुनाव से पहले लखीमपुर का घमासान अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। लखीमपुर खीरी से संतोष शर्मा और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। 383 दिन बाद आखिरकार वो दिन आ गया है जब किसान गाजीपुर बॉर्डर से अपने घरों के लिए लौट रहे हैं। आंदोलन खत्म के आधिकारिक ऐलान के 5 दिन बाद आज गाजीपुर बॉर्डर से किसान सिसौली के लिए रवाना हुए। भारतीय किसान यूनियन ने इसे विजय यात्रा का नाम दिया है। रवाना होने से पहले बॉर्डर पर
बकायदा एक हवन का आयोजन किया गया। किसानों ने जमकर यहां पर नाच गाना भी किया। जाते जाते किसान नेता राकेश टिकैत भावुक नजर आए। गाड़ी की छत पर किसान नेता राकेश टिकैत और उन पर फूल बरसाते किसान। ये तस्वीर दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर की है। करीब साल भर बाद किसानों की घर वापसी हो रही थी। किसी विजय जुलूस की तरह किसानों का कारवां गाजीपुर बॉर्डर से निकला था। टिकैत गाड़ी पर खड़े होकर तिरंगा लहरा रहे थे। टिकैत की खुशी देखते ही बन रही थी। वही खुशी वहां मौजूद लोगों में थी जो उन पर गुलाब की पत्तियां बरसा रहे थे, फूलों की माला भेंट कर रहे थे। कुछ ऐसा ही नजारा उन रास्तों का भी था जहां से टिकैत का कारवां गुजर रहा था। हाईवे पर एक जगह महिलाओं का दल टिकैत के स्वागत में खड़ा था। टिकैत वहां रुके तो महिलाओं ने उन्हें फूल माला भेंट की। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर बेहद भावुक दृश्य नजर आया। साल भर पुराना साथ छूट रहा था। अपनी झोपड़ी को निहारते हुए भावुक हो रहे थे टिकैत। जाते जाते उन्होंने झोपड़ी को प्रणाम किए। याद आएगा, गाजीपुर बॉर्डर भी आओगा, सब लोग याद आएंगे। यहाँ के जो भी लोग हैं सब याद आएंगे, अपने अपने प्रेस के लोग हैं, LIU इंटेलिजेंस के लोग हैं, यहाँ के आसपास के लोग हैं, ये विचारधारा सब याद आएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत की ये झोपड़ी और पहियों वाला ये घर काफी मशहूर रहा है। 26 जनवरी के पहले तक यहाँ सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन का केंद्र था, तो वहीं बाद में किसान आंदोलन पावर सेंटर यहीं शिफ्ट हो गया। यादगार के तौर पर इसे भी सिसौली ले जाया जाएगा। ये भी जाएगी, ये सबसे लास्ट में ये यहाँ से जाएगी। इसको इसी तरीके से उठा के ले, इसको ले जाएंगे, वहाँ पे जाके लगेगी वहाँ पे। आज क्या इमोशनल हो रहे हैं राकेश जी? सब लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, ये सिर्फ यादें रहेंगी। अब जो किसने पिक्चर खींच ली वो रहेगी, जो किसी के दिमाग में पिक्चर है इसकी वो रहेंगे, सारे के सारे वो हमेशा जिंदा रहेंगे। अन्नदाता की घर वापसी के साथ ही ये सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि अब आगे क्या। किसान नेता आंदोलन को खत्म नहीं बल्कि स्थगित बता रहे हैं, तो क्या किसान फिर लौटेंगे? आगे की क्या रणनीति अभी कौन बता दे, तो घर लोग को चले जान दो। ये देखो एक साल की ये ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग होगी सबकी। अब जाके क्षेत्र में काम करो, यहां से जाओ अब सब अपना प्रदेश में, अपने उसमें, अपने जिलों में, अपने गाँव में काम करना चाहिए अब सब। यानी आंदोलन की जो लौ जली है उसे जलाए रखना चाहते हैं टिकैत। लेकिन अभी तो किसानों के लिए खुशी की घड़ी है और वो खुशी इन तस्वीरों में दिख रही है। अपने घर बार खेत खलिहान से दूर साल भर से ज्यादा समय तक आंदोलन करने वाले किसानों की घर वापसी का दिन आया तो खुशी से झूम उठे। किस तरीके की भावना मन में आ रही है, जीत किसका जश्न है? ऐसी भावना हो रही है जैसे हमने देश आजाद करवाया हो एक तानाशाह के खिलाफ। हमें बहुत खुशी है, ईद बकरीद होली दिवाली से भी बड़ी खुशी है हमारी। हमने इसके लिए नए कपड़े बनाए हैं और डीजे वगैरह पूरा इंतजाम है, मिठाई उठाई का। क्या आज घर जाने का जश्न है? हाँ, आज जश्न है, जीत का जश्न है। तीनों कृषि कानून वापसी हुए, जाने का गम भी हो रहा है। एक साल तक यहाँ पर हम रहे, कितने सारे ब्लड रिलेशन से भी ज्यादा हमें यहाँ पे रिश्ते बन गए थे, लेकिन एक घर को छोड़ने का एक साल तक हम रहे, उसका जो है दुख भी हो रहा है लेकिन खुशी भी है, तीनों किसी कारण वापसी हुए। घर वापसी से पहले दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर हवन पूजन किया गया। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। देखो हवन तो इस वजह से कर रहे क्योंकि कृषि और ऋषि क्योंकि एक ही सिस्टम के हुए हैं और उस कुदरत को परमात्मा को मानने वाले किसान हैं, तो हवन तो नित्य यहाँ चलते रहे और आज समापन जो है इस धरने का है, तो उसे शुभ तरीके से एक मान सम्मान के साथ में, जीत के साथ में किसान अपने अपने आज घर जा रहे, यही एक बड़ी बात है।
किसान नेताओं के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर से रवाना किसान पहले मुजफ्फरनगर के खाप पंचायत मुख्यालय जाएंगे और फिर सिसौली में जमा होंगे। वहां से वो अपने घरों को रवाना होंगे। कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर आज तक। और संयुक्त किसान मोर्चा इससे पहले कह भी चुका है कि वो हर महीने समीक्षा करेंगे, तो अभी जनवरी में पहली समीक्षा होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।